दोस्तों, घमो राजस्थानी और कॉमेडियन निंबाराम का बाड़मेर क्या राजस्थान के अंदर दबदबा तो है, आज मानना पड़ेगा। क्योंकि रियल बताऊं मैं आपको कि मैंने कल भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर, एटवी, बाकी सारे जो पत्रकार हमारे बाड़मेर के पत्रकार थे, सभी पत्रकारों को मैंने एक एफआईआर की कॉपी दी, अखबार वालों को एफआईआर की कॉपी दी कि भाई आप एक शानदार न्यूज है, जो मारवाड़ की मशहूर कॉमेडियन है उसने एक धोखाधड़ी और पति के साथ धोखाधड़ी और प्रताड़ित करने के आरोप लगे, उसके पति ने एफआईआर दर्ज कराई है। कौन है मारवाड़ की मशहूर कॉमेडियन, जो पहले चित्रू का पापा, एक लक्ष्मी प्रकरण वायरल हुआ था वीडियो, जो चित्रू के पापा है उसकी बहन है और भानु बाबा की भी बहन है, जो भानु बाबा कॉमेडियन हुआ करता था पहले, आज तो नहीं है लेकिन उनकी भी बहन है घमू राजस्थानी करके। तो उसके खिलाफ पहली बार, क्योंकि उसने घमू राजस्थानी ने तो पूर्व में बहुत सारे मुकदमे किए, उसके पति के ऊपर 13 14 मुकदमे किए, और आज एक साल बाद पहली बार उसके पति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि वो प्रताड़ित था और सहनशीलता थी उसके अंदर कि भाई एफआईआर नहीं दर्ज करवाए। लेकिन आखिर में हार गए, उसको भी पति को भी थाने कोर्ट कस्टडी आना पड़ा। तो उसकी आप एक पीड़ित पति की हेल्प करें। लेकिन दोस्तों, मजे की बात की किसी भी सोशल मीडिया, अखबार वाले और जो बाड़मेर के जाने माने यूट्यूबर है जो पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बिल्कुल एक पीड़ित पति की नहीं समझी और नहीं सुनी, किसी ने भी खबर प्रकाशित नहीं की। और वैसे आपको मालूम होगा कि पिछली बार जब कॉमेडियन निंबाराम जेल गया था तो बाड़मेर के किसी भी पत्रकार ने खबर प्रकाशित नहीं की थी। एक ओनली फॉर दुर्ग सिंह राजपुरोहित करके है, उन्होंने जरूर एक छोटी सी, एक खाली एडिंग डाली थी, छोटी सी बट डाली थी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने, बाकी किसी पत्रकार ने, किसी अखबार वालों ने कोई न्यूज बाड़मेर के अंदर नहीं डाली थी। अब क्योंकि इनका दबदबा है सोशल मीडिया पे, और ये पत्रकार वाले और मीडिया जो पता नहीं डर रहे हैं, क्यों नहीं छाप रहे, क्योंकि मैंने 2 दिन से ट्राई किया, पत्रिका में, भास्कर में, सब जगह ट्राई किया। मैंने कहा भाई एक मारवाड़ की मशहूर कॉमेडियन सलाखों के पीछे जा रही है, तो आप ही एक न्यूज बना दो, आपकी बहुत अच्छी चलेगी, चैनल पे डालो और अखबार में भी डालो, ताकि आपकी भी अखबार की रेपुटेशन रहेगी कि हाँ भाई जो अखबार वाले हैं वो बहुत अच्छी और साफ सुथरी और एक पीड़ित पति की हेल्प कर रहे हैं और न्यूज़ बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रियली बता दूं, मैंने 2 दिन प्रयास कर लिया, नहीं डाली, लेकिन अपने साथ भगवान है, और भगवान जब साथ देता है ना तो चप्पल फाड़ के देता है। तगु राजतन अकेला भी खूब है, या मेरे तगु राजतन चैनल पर डाल दिया ना मैंने खबर, तो मेरे हजारों फैन, लाखों फैन है जो शेयर कर देंगे वीडियो को, और वीडियो को शेयर करके ऑल इंडिया तक पहुंचा सकते हैं। पिछली बार भी हुआ था, मेरे काफी फैन थे जिन्होंने वीडियो शेयर किए, तो मिलियन में व्यू गए, मिलियन में व्यू गए, और हर एक एक राजस्थानी, ऑल इंडिया के बंदे के पास पहुंच गया कि कॉमेडियन निंबाराम को सलाखों के पीछे डलवाने वाला कौन था, कि तगु राजस्थानी था। कौन है तगु राजस्थानी, हर आदमी की ये रिक्वायरमेंट थी। अभी आपको कुछ टाइम बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉमेडियन घमू राजस्थानी को सलाखों के पीछे डालने वाला कौन था, तो के तगु राजस्थानी था। है कौन तगु राजस्थानी, सब लोग असम में पड़ जाएंगे, लेकिन तगु राजस्थानी अभी शांत है, शांत चौपक्का है, और पहले देख रहा है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। और जब पानी यहाँ नाक से ऊपर बहने लगेगा तो जरूर एक्शन लेगा, और अब मुझे एक्शन लेने का टाइम आया है। मैं हर तरफ से इन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ नहीं रहे हैं तो मैं घेरने का प्रयास भी करूँगा, और जो मेरे से कार्रवाई होगी मैं करूँगा। मैं एक एज ए घमू राजस्थानी का पीड़ित पति हूँ, क्यों लगाता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ से परेशान हूँ। आज मेरे, मुझे ये दोस्तों ये बता दीजिए कि मेरे बच्चे 1 साल से मैंने आंखों से नहीं देखी, मेरी क्या जुर्म है कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं तो कौन, निंबाराम जो कॉमेडियन है वो अपनी उसको अब उसकी पत्नी जो शत्रु की मम्मी है,
छोड़ के 10 दिन दूसरे के साथ किसी के साथ चली जाए तो क्या वो सहन करेगा? दोस्तों बताइए मैं कहाँ गलत हूं भाई। मैंने खर्चा करके आज 20 लाख रुपया खर्चा करके शादी करके मेरी पत्नी लाया, मेरे बच्चे पैदा किए, आज मैं 18-19 साल हुए हैं और मेरे साथ रह रहे हैं और अब मुझे छोड़ के और किसी के साथ जाएगी बिना कोई कारण के, फिर भी मैं सहन कर रहा हूं। मैं कहूँ आ जाएंगे आज नहीं तो कल आ जाएंगे, भटक गए देखो रास्ता भटक जाते लोग, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, फिर भी मैं सहन कर रहा हूं। लेकिन आखिर मेरी सहनशीलता खत्म जल्दी ही होने वाली है। अब ज्यादा समय ये मामला नहीं चलने वाला है, सोशल मीडिया भी अब क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पूरा प्लेटफॉर्म भर चुका है तगु राजधानी और गम्मू राजधानी से, तो ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, जल्दी इस कहानी का एंड होगा। लेकिन मुझे दया आ रही मेरे इन मासूम बच्चों पे, तेजस और दिव्यांशी पे, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा कोई समझने वाला नहीं है। कहानी खत्म होगी बाद में सब लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।